मैं काफी रट के आया हूँ उसको, तो आई थॉट कि मैं बस फटाफट आपको सुना दूँ। द स्टोरी गोज लाइक दिस, देयर इज अ चाइल्ड प्लेइंग फुटबॉल समवेयर इन द ग्राउंड एंड देयर इन द ग्राउंड द चाइल्ड सॉ देयर वाज अ ह्यूज एलिफेंट, बिग एलिफेंट, स्ट्रॉन्ग एलिफेंट। इट वॉज नॉट मूविंग, इट वॉज जस्ट स्टैंडिंग एट वन प्लेस and there was a small thin rope, you understand what is rope? Rassi. Yes, there was a thin rope. That thin rope was there, around left leg, okay, thin rope, and rope was tied at one point. Ek jagah par wo rope bandhi hui thi, hathi khada tha, choti si rope. That boy got surprised. Ki why is it so that this elephant is not breaking the rope? Why this elephant is not running? It's very strange. He saw that elephant's trainer was also there. Okay? Trainer, you understand? Trainer, jo elephant ko training deta hai. So that elephant's trainer was also there. That child went to elephant's trainer. And the child asked him, why this elephant is not breaking this thin rope? He said, it's a secret. What's the secret? Why is it not breaking this rope? It should run. It is standing at one point and just very small thin rope is there. Wo bandhi hui hai aur ye bhaag hi nahi raha hai. Trainer replies, when this elephant was very small, then this thin rope was tied around this elephant's left leg and it was tied to one specific point. Ek jagah par usko bandh diya gaya. Har roz waise hi isko bandh diya jata hai aur isko jab wo chota tha tab to itni shakti thi hi nahi ki is rope ko tod sake. Ab wo shakti aa bhi gayi hai, then also this realization is not there in the heart, in the mind, in the soul of this elephant. It is a small hurdle, I can easily get over it. ये तो छोटी सी रुकावट है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है. उसकी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह की हो गई कि भाई ये छोटी सी रुकावट है, इससे तो मैं आजादी ले ही नहीं सकता हूं. I cannot get rid of this small rope. उसकी मेंटल कंडीशनिंग ही इस तरह से है और वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, रस्सी से बंधा रहता और भाग ही नहीं पाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता. कहानी खत्म हो गई. क्या समझ में आया? क्या ऐसी कोई रस्सी, ऐसी कोई रस्सियां हैं विच एनी सच रोप विच डज नॉट लेट अस रन, विच डज नॉट लेट अस फ्लाई? सोचे. लेजीनेस शुरू से बंधी हुई है हमारे साथ और हमें लगता है कि हम इसको तोड़ ही नहीं सकते. स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम शुरू से चल रहा है और हमें लगता है कि हम 4 o'clock उठ ही नहीं सकते. कम मास लेकर संतुष्ट हो जाना, यह भी एक रस्सी है जिसने हमें बांध के रखा हुआ है और हमें लगता है कि हम ज्यादा मास ले ही नहीं सकते. अगर मैथ्स में वीक है, अकाउंटेंसी में वीक है, बिजनेस स्टडीज में वीक है, हमें लगता है शुरू से वीक है, अब शक्तिशाली बन ही नहीं सकते. शुरू से 35%, 45%, 50%, 55% से ज्यादा कभी बढ़े ही नहीं और हमें लगता है कि भले ही हम बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते. तो ये रस्सियां जो हैं इनको तोड़ो भाई, बड़े हो गए हैं अब शक्ति आ चुकी है. यू गॉट पावर, मेक यूज ऑफ दैट पावर. क्यों आप अभी भी अपने आप को कमजोर समझकर उन रस्सियों से बंधे हुए हैं और ना तो भाग रहे हैं ना उड़ान भर रहे हैं जी, एक ही जगह पर बस खड़े हैं. ये सही है? चलो, लगता कहानी समझ में नहीं आई, एक और कहानी सुनाते हैं. आज दो कहानियां रट के आया था मैं. दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द सेकेंड वन. द स्टोरी गोज लाइक दिस. There was a marine biologist. Marine biologist, you understand?
Yes. What is marine biologist? Marine biologist is somebody who studies the life that is there inside water. Okay? That person is known as marine biologist. One marine biologist was making one research. I mean, he was making one experiment on shark. Shark, you have seen? It's a big fish. बहुत बड़ी मछली होती है तो वो शार्क को शार्क वॉज पुट इन टू अ टैंक एक टैंक में डाल दिया गया और शार्क ठीक है वहां पर तैर रही है नाउ स्मॉल बेट फिशेज आर देयर बेट फिशेज बी ए आई टी बेट बेट फिशेज आर देयर बेट फिशेज मीन्स कि जो आई मीन उसको खिलाने के लिए जी, उसका भोजन देने के लिए वो टैंक में डाल दी गई फट से शार्क ने सारी खा ली अगला दिन फिर डाल दी गई फट से शार्क ने वो भी खा ली अगला दिन फिर डाल दी गई फिर से शार्क ने वो भी खा ली नो प्रॉब्लम नेक्स्ट डे व्हाट दैट मरीन बायोलॉजिस्ट डिड ही टुक वन बिग ग्लास शीट ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट He put that glass sheet into the tank and now once again on the other side of that glass sheet he put the bait fishes again. वो जो छोटी छोटी मछलियां थी वो फिर से डाल दी लेकिन किस तरफ ग्लास शीट के दूसरी तरफ इधर शार्क और इधर bait fishes. Once again that shark tried to swallow all those fishes लेकिन अब नहीं खाई गई बड़ा संघर्ष किया बड़ा संघर्ष किया नो लगातार संघर्ष होता रहा अगले दिन भी उससे अगले दिन भी डे आफ्टर डे दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड लेकिन दैट शार्क फिश कुड नॉट ईट दोज बेट फिशेस वो नहीं खा पाए आफ्टर फ्यू डेज दैट ग्लास शीट वॉज रिमूव्ड वो जो ग्लास शीट थी वो हटा दी गई शार्क ने तब भी कोशिश नहीं की उसको लगा अब तो मैं इनको खा ही नहीं सकती अब ये मुश्किलों को मैं दूर कर ही नहीं सकती ये मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी है दो चार बार छह बार कोशिश की सातवीं बार कोशिश करना ही बंद कर दी और वो सारी मुश्किलें वहीं की वहीं टिकी रही पहले उसको खा लेती थी फट से और सक्सेसफुल थी पेट भी भर रहा था मुश्किलें भी दूर हो रही थी अब सारी की सारी मुश्किलें वहीं खड़ी हैं और उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया एंड शार्क डाइड शार्क खत्म हो गई मर गई सामने उसके भोजन था सारी डिफिकल्टीज को आसानी से दूर किया जा सकता था लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की क्या सही किया कहानी फिर खत्म हो गई तो जितनी भी मुश्किलें हैं उनको बड़ी जल्दी से खाया जा सकता है उनको बड़ी जल्दी से दूर किया जा सकता है उनको बड़ी जल्दी से उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और अपने आप को जिंदा रखा जा सकता है अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा सकता है वी कैन डेफिनेटली मेक आवरसेल्व्स पावरफुल व्हाई डोंट वी मेक आवरसेल्व्स पावरफुल व्हाट इज डिफिकल्ट इन दैट ट्राई वी जस्ट ट्राइड वंस ट्वाइस थ्राइस एंड देयर आफ्टर वी स्टॉप ट्राइंग एंड वी जस्ट सिट आइडल एंड बाय सिटिंग आइडल वी लूज अवर स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली एवरी डे When we wake up with less strength. And because we wake up with less strength, that is why sad faces are there. Spirits are low. No goal is there because confidence is not there. So, सभी बच्चे जो हैं, वो ओके और शार्क की तरह जान नहीं गवाएंगे मुश्किलों को भगाएंगे राइट मुश्किलों को भगाएंगे अपूर्व जरा ध्यान देंगे मेरा लक्ष्य ऊंचा और अच्छा है मेरा वायदा पक्का और सच्चा है लक्ष्य मुझको प्यारा है लक्ष्य मुझको प्यारा है मन में उसको उतारा है एनर्जी के साथ मुश्किलों को खत्म कर दिया है हमने शक्ति आ चुकी है तो शक्ति के साथ हमें विद अ लॉट ऑफ पावर एंड ज़ील वी हैव टू टेक दिस ओथ यस प्लीज लक्ष्य मुझको प्यारा है गुड
मन ने उसको उतारा है, वायदा जो है खुद से किया, वायदा जो है मैंने लिया, अब उसको मैंने निभाना है, हर हाल में लक्ष्य को पाना है, अब उसको मैंने निभाना है, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। कमजोर मैं बिल्कुल नहीं, इस बात का मुझको है यकीन, कमजोर मैं बिल्कुल नहीं, इस बात का मुझको है यकीन, अपनी शक्ति पर है विश्वास, ईश्वर से भी है ये अरदास, मेहनत के लायक बना देना, मेहनत को सफल करा देना, लक्ष्य को मैं हासिल करूं, ज्ञान ऐसा दिला देना, ज्ञान ऐसा दिला देना। Everybody should be in prayer position. Let's sing the prayer. परिश्रम सफल हो हमारा, हे ईश्वर।